ब्रेक शू भी बचा रहेगा और गाड़ी भी जो है खराब नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, हरामी भी रहते हैं ऐसा नहीं है। बाबा नया दिन नई शुरुआत नई कहानी और नया सीख। वेलकम टू माय डियर चैनल अडहोलिक व्लॉग्स। मैं लास्ट वीडियो में देखा थोड़ा बहुत मेरा आवाज़ ठीक ठाक नहीं आ रहा था, वो माइक का प्लेसमेंट थोड़ा नीचे हो गया, उसको ऊपर करना पड़ेगा बाद में, अभी टाइम नहीं है। ज़िंदगी में बहुत कम टाइम मिल रहा आजकल, पहले ऐसा नहीं था पर आजकल ऐसा हो रहा। तो आज का वीडियो तो पहले वाले वीडियो से भी ज़्यादा सिंपल है, तो पहले ही बोल दे रहा हूँ भाई, सिर्फ बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ मैं ये जो अभी के लिए जो वीडियोस बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। फिर कमेंट करके अरे पहले बोलना सीख ले, गाड़ी चलाना सीख ले, अरे लौड़े तेरे इतना तेरे को आता है वीडियो बनाना तू ही बना ले, समझा, फालतू कमेंट नहीं करने का। वो ऐसे भी पढ़ के ज़्यादा रिप्लाई नहीं देता, कमेंट में रिप्लाई नहीं दूंगा, वीडियो में ज़रूर दूंगा, देख लो बता रहा हूँ, फिर नाम वाम बता के दूंगा रिप्लाई, चुप दिमाग ख़राब नहीं करने का। हाँ अगर उतना तेरे को आता है वीडियो बनाने तू बना ले, मेरे को जितना आता मैं बना रहा। हाँ तो बाबा आज का वीडियो है ब्रेकिंग टेक्निक्स के बारे में। ब्रेकिंग टेक्निक्स मतलब आप कैसे टाइप से ब्रेकिंग करोगे, आपका ब्रेक शू भी बचा रहेगा और गाड़ी भी जो है ख़राब नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, मतलब ब्रेक शूज़ भी ख़राब नहीं होंगे, ब्रेक पैड या ब्रेक शूज जो बोलोगे वो बोलो, डिफरेंट टरेंस पे। तो पहला टरेन तो यही है, देखो अभी ऐसा स्लोप है पूरा, ये तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा खतरनाक हेयर पिन बेंड्स होते हैं, स्लोप्स होते हैं। तो ये स्लोप पे क्या करोगे आप, सीधा सामने का ब्रेक, ना 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 ये गलती नहीं करने का, सीधा सामने का ब्रेक कभी नहीं पकड़ने का ऐसे स्लोप पे, पहले पीछे का आधा पकड़ो फिर आगे का थोड़ा पकड़ो, मतलब मिक्स एंड मैच करके चलने का। तभी एक कोई एक ब्रेक पकड़ोगे ना बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा, पीछे का पकड़ोगे मेरा तो छोड़ो पीछे का ABS नहीं है, पीछे स्किड मार दे, सामने का पूरा दबा के पकड़ोगे ABS है ठीक है, फिर भी अगर बहुत प्रेशर पड़ा हो सकता है व्हीली मार दे पलट जाओ, काहे को करने को सब भकैती के काम है, नहीं करने का। ये स्लोप से उतरने का हो गया, अब चढ़ाव पे चढ़ने का क्या है, बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है, पहला स्लोप से उतरते समय बोला पहले पीछे का ब्रेक पकड़ने का, क्योंकि आगे का पकड़ोगे गिर सकते हो अगर ABS नहीं है तो, अगर छेड़ा हवे पे जा रहे हो तो पहले आगे का पकड़ने का, क्योंकि पीछे का दबा के पकड़ोगे सिंगल तो हो सकता है आपका सिंगल चैनल ABS हो ना हो, मिट्टी हो कुछ भी हो, स्किड मार सकता है, बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। उधर भी मिक्स एंड मैच चलेगा, ऐसे ही नहीं पूरा सामने का ब्रेक पकड़ लिया, ना 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 ना, सामने का पहले, बोलने का मतलब क्या, पहले मतलब 30% सामने का अप्लाई करो, बाकी जो भी है आपका 50-70 जितना भी आपको अप्लाई करना है वो दूसरा ब्रेक अप्लाई करो, मतलब अगर सामने का पकड़ रहे हो तो दूसरा ब्रेक हो गया पीछे का, कॉमन सेंस का बात है। तो ये हो गया चढ़ावा और उतार। और एक बसता है देखो, एक मडी मतलब मिट्टी वाला रोड और एक गीला, एक गीले में भी दो टाइप आता है, एक पानी ऐसा रुका हुआ रोड और कीचड़ वाला। अब कीचड़ वाला क्या है, उधर मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो कीचड़ वाला मैं बताने जाऊँगा नहीं। और अगर बारिश है और मिट्टी है, आपका कोई भी ब्रेक हो सबसे मैक्स पावर आप ABS वाले ब्रेक पे ही डालो। अगर मेरा समझो सिंगल चैनल है, अभी के NS200 तो डुअल चैनल आ गए वो अलग बात है, अभी जो मतलब समझो मिट्टी है पानी रुका हुआ है स्पीड पे हूँ मैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब ABS मेरा फ्रंट चैनल ABS है तो मैं 70% फ्रंट अप्लाई करूँगा 30% पीछे का अप्लाई करूँगा। वैसे तो और एक बात भी है, पहले ये तो कंप्लीट कर लूँ। हाँ तो ABS ज़्यादा पावर लगाओगे तो स्किड नहीं मारेगा ऑब्वियसली, अब डुअल चैनल है आप कोई सा भी लगा लो 50-50% लगा लो, किसी एक पे पूरा प्रेशर मत डालने जाओ, वही मेरा बोलने का बात है। अगर चलो भाई तुम्हारे पास BMW 1250 है, BMW 1000 RR है, ऐसे गाड़ियाँ हैं तो वो अलग बात है, फिर अब वो मैं गाड़ी चलाया नहीं ना उसका कभी ब्रेक मारा, जो मैं चला रहा वो मैं बता रहा। तो और एक बचा मिट्टी में भी सेम चलता है, जो ABS है डुअल चैनल है तो दोनों 50-50% लगाओ, अगर सिंगल चैनल है सामने 80% पूरा सामने ही प्रेशर डालो, 80% ब्रेक सामने मारो फिर पीछे मारो। और एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि बाबा कभी भी मतलब आप स्पीड में हो कहीं भी हो ब्रेक लगाना कैसे चाहिए। देखो ब्रेक लगाने का एक सिंपल सा टेक्निक है, आपको अगर इंजन को वियर एंड टीयर नहीं करना है, क्लच प्लेट, अब इंजन वियर एंड टीयर होता है कि नहीं पता नहीं, क्लच प्लेट वो होता है, क्लच प्लेट होता है और ब्रेक शू तो होता ही है क्योंकि ब्रेक तो लगा ही रहे हो। अभी देखो नॉर्मल स्पीड में चल रहे हो कैसे भी चल रहे हो, हाँ ये तो बता दिया ना,
हो जाते हैं कभी कभी, ट्रिप मारते रहते ऐसा शॉर्ट सर्किट होते रहता दिमाग में। हाँ तो अभी जा रहे हो स्पीड पे, तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैं नहीं बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी रिकमेंड करेंगे, पहले आप ब्रेक पकड़ो फिर क्लच पकड़ो। ये वैसे तो ये आधा ब्रेकिंग में आता है आधा गियर में आता है, गियर वाले वीडियो में आता है, फिर भी मैं ब्रेकिंग वाले में ही बना दे रहा हूँ इसको। अभी देखो इधर एक स्पीड ब्रेकर है, ऐसा नहीं कि पहला क्लच दबाए आराम से गाड़ी को पूरा फ्री पे छोड़े फिर ब्रेक दबा, ना 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 ना, स्कैम होगा, आपका ब्रेक का पावर भी कम हो जाएगा ये सब भगैती चीज़ें करने में। सही बता रहा हूँ, ब्रेक कम लगेगा। और ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है, आपका बाइक हो कार हो फर्क नहीं पड़ता, आप ब्रेकिंग ऐसे ही करो कभी भी, बिल्कुल एकदम 100% कभी भी बिना सोचे समझे, पहले ब्रेक लगाओ फिर क्लच पकड़ो। लोग क्या करते हैं, क्लच पहला पकड़ते हैं ब्रेक बाद में लगाते हैं, बोलते ब्रेक तो मेरा ख़राब तो नहीं हो गया, ब्रेक उतना पावरफुल नहीं है, स्कैम कर रहे हो, पावर कहाँ से होगा, है कि नहीं। ऐसा ब्रेकिंग कर सकते हो नहीं, ऐसा ही ब्रेकिंग करने का बाबा, ऐसी ब्रेकिंग करने का। और बोल रहा हूँ फालतू कमेंट करने से पहले दो बार नहीं 15 बार सोचो, फालतू मतलब आपका डाउट है आप क्लियर करवा रहे हो अलग बात है, बेकारी के कमेंट में जो आते हैं ना, तेर को वो नहीं आता है, तेर को ये नहीं आता, अरे तुम्हारे बाप का पैसा लेके थोड़ी मैं वीडियो बना रहा, हाँ तुम्हारे बाबा से थोड़ी पूछ रहा हूँ पैसे, दे दो अंकल पैसे मेरे को वीडियो बनाना है, आपके पैसे मैं बर्बाद करने जा रहा हूँ, मेरे बाप का पैसा मैं बर्बाद करूँ, मैं डूब मरूँ, क्या करने का है। सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को नहीं, हरामी सब्सक्राइबर्स को बोल रहा हूँ, बस हरामी भी रहते हैं ऐसा नहीं है, सब्सक्राइबर से सब लोग प्यारे ही रहते, थोड़े 1-2% तो रहते ही है भाई, जो है सच है। अब इतना भी सोशल मीडिया से क्या डरना कि अपना सच को आप झूठ में बदलने लगो, सच है जो है। बस बाबा ब्रेकिंग का वीडियो इतना ही था, आपको ब्रेकिंग पे कोई भी डाउट है बिल्कुल मेरे को पूछना, क्योंकि ब्रेकिंग का थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे को, एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था NS पे। और एक बात कर पे है ना, कर पे है तो बिल्कुल ये भी है सेम, एकदम मडी कंडीशन जैसा करोगे, मडी या वेट रोड्स पे जो करोगे वही करना, और कर्व पे जो है ब्रेक पे या मतलब रियर ब्रेक पे पैर और आगे ब्रेक पे फ्रंट ब्रेक पे हाथ, पूरा ऐसा कांटेक्ट में रहने का, ऐसे होशियारी में कर्व में नहीं लेटाने का है। और कर्व में कर्व का अलग ही है, वो लीनिंग का अलग स्कैम है, वो ऐसा सडन ब्रेक नहीं पकड़ सकते, पलट जाएगा गाड़ी, आपका स्पीड पे डिपेंड है कितना है क्या नहीं, वो वीडियो कभी और बनाऊंगा। क्या है अभी शाम ढलने को आया, अभी महफिल बिठाने का टाइम है, मजाक कर रहा, काम है रे बाबा पूरा रात का, 2-2 बजे तक का तो काम चल रहा है, उसमें से ऐसा वक्त निकाल रहा हूँ यूट्यूब के लिए, यूट्यूब मेरा सबसे ज़रूरी है, भले काम रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, यूट्यूब चलते रहने का, यूट्यूब जान है बाबा, यूट्यूब और पांडा दो ही जान है, इनसे पहले माँ बाप आते हैं, उनसे पहले शंभो। चलो बाबा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए एकदम मज़े में रहो और मेरे को भी मज़े में रहने दो, कमेंट वाला बात ज़रूर याद रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल।